दो बच्चे। तो दोस्तों हम मिनी ज़ू पहुंच गए हैं और यहाँ पर रोटी वगैरह रख दी थी, यहाँ पर पानी है और यहाँ पर गया हूँ उधर रोटी वगैरह। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, स्वागत है आपका एक फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है जुनैद अंसारी और आप देख रहे हैं जुनैद्स ब्लॉग। आज दिन की शुरुआत होती है छोटी वाली मुर्गी के साथ। अरे मुर्गी, प्यारी प्यारी मुर्गी, इधर से उतर जाओ, यहाँ से गिर जाओगी। गॉयस अगर ये गिर गई ना तो पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, अब भी बिल्ली बैठी हुई, बिल्ली मुँह खोल के बैठी रहती है गॉयस, पीछे देखी। अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन बिल्ली और कुत्ता सब जने मुंह खोल के बैठे रहते हैं। अब तो हमारी मुर्गी उतर गई है, बहुत अच्छी बात। ऊपर को मत चढ़ना प्लीज। दोस्तों एक अच्छी खबर ये है कि हमने अपने रेड्स का घर चेंज कर दिया है। ये रेड्स का घर था ना जिसमें रेड्स बहुत परेशानी में रहते थे। हाँ, रेड्स ने एक दिक्कत और कर दी थी दोस्तों। यहाँ से रेड्स ने काट काट के बाहर निकल जा रहे थे, जो मैं आपको बता नहीं रहा था कि रेड्स बाहर निकल जा रहे हैं। चीटिंग करता है तू। तो रेड्स बाहर निकल जा रहे थे गॉड, तो हमने जो है छोटे वाले जोड़े जो है ना हमारे दर पर छोटे वाले जोड़े का उसमें फिट कर दिया। देखिए इतने प्यारे प्यारे रेड्स है गाइस, आराम कर रहे हैं, इनको आराम करने देते हैं। देखिए वो सो रहे थे, अभी इनको आराम करने देते हैं गाइस, इनको सोने देते हैं। खाना पीना मैं आपको दिखाया था, यहाँ पर पानी है और यहाँ पर गया हूँ उधर रोटी वगैरह भी है, सब कुछ है, आराम से खाते भी रहेंगे। और अजूब भाई बचाओ यार, ये ऊपर को चढ़ जाते, देखिए ये भी ऊपर को चढ़ गए। अजूब भाई नीचे कूदरो, पहलवान भाई हमसे कुछ बात करना है। हाँ पहलवान भाई, अरे गाइस पहलवान भाई बात करने नहीं आए, मुझे लगता है गुस्सा निकालना है हम पर। देखिए पहलवान भाई, हेलो हाय तो करने दो। अरे 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 एक्शन के मूड में होते जा रहे हैं अभी। ये हमारी बबली रानी, पहली फुर्सत में निकल बबली, प्यारी प्यारी बबली। गॉयस ये अंडे करती है और अपने अंडे खा जाती है, और उसके बाद अंडे खाने के बाद एक दिक्कत ये हो जाती है, कोई भी मुर्गी अगर अंडे खा लेती है ना गाइस, उसके बाद वो अंडा नहीं कर पाती, तो ये अंडा बहुत दिनों बाद करती है। फिर उसके बाद इधर ही हमारे बंटी भाई भी है। देखिए बंटी भाई चुनौती दे रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, जो इस भाई को निकल के दिखाओ तुमसे एक्शन करता हूँ। गॉयस ये भी एक्शन के मूड में आते रहते हैं। बंटी भाई भी अब किलर हो गए, बिल्कुल खतरनाक हो गए। जैसे मैं डक्स को देखिए, डक्स को मैंने अंदर कर रखा है ना, तो डक्स को बाहर निकालता हूँ, तो डक्स को परेशान करते हैं गाइस। वैसे ज़ॉम्बीज वगैरह को या पहलवान वगैरह को तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है, हरी बाहर से कह रहे हैं बस। ये जैसे मैं ज़ॉम्बीज भाई को निकालूंगा एकदम भाग जाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। इसके पीछे पड़ जाते हैं। देखिए डब्स का मैंने खाना पीना सब रख दिया है यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था इनका, और यहाँ पर रोटी वगैरह रख दी थी, और जो इन्होंने फिनिश कर दिया। अब इनको खोल दूंगा गाइस, पहले बंटी भाई को खाने देता हूँ। तो उधर बंटी भाई को बंद करने के बाद अपने प्यारे प्यारे डब्स को खोल दिया, और देखिए आती पानी पीने लगी। मैंने अंदर भी इनका पानी रखा था। आज क्या करने वाले दोस्त, देखिए नींद में हो रहा है ना, बिल्कुल सकल नींद में हो रही है गाइस, बिल्कुल मेरी, अभी मैं सो के आ रहा था। तो आज क्या करने वाले, हम जाने वाले हैं मिनी ज़ू और जंगली कबूतर के बच्चे देखने वाले हैं, तो चलिए वहाँ पर ही चलते हैं। चलो गाइस चलते हैं। और भाई साहब नहाते मैंने डिस्टर्ब कर दिया, अरे भाई साहब आ जाओ, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, चलो गाइस चलते हैं। और इधर हमारे जिमी भाई भी पत्नी क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हो क्या जिमी भाई आराम कर रहे हो क्या, कुछ खा लो पी लो। चलो गाइस जिमी भाई भी अब खा लेंगे, चलते हैं जल्दी 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 जल्दी। हम मिनी ज़ू पहुंच गए हैं, अब यहाँ पर देखते हैं मिनी ज़ू की हाल चाल हो रहे हैं। अनस भाई खोलो जल्दी से, तो चलते हैं गॉयस अंदर को। होए गॉयस यहाँ पर तो फिर से कबाड़ी कबाड़ हो चुका है। रियान भाई, गॉयस रियान भाई भी आ चुके हैं, अजीम भाई भी आ चुके हैं। कहाँ पर थे, खेल लेते निगम में, मिनी ज़ू बहुत जल्द बनेगा, मुन्नी बहुत जल्द बनने वाला है, कूड़ा भी कम होगा जब मिनी ज़ू बनेगा। हाँ अनस भाई जल्द से जल्द मिनी ज़ू बनानी पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर हमने अपने प्यारे प्यारे पपी का यहाँ पर घर बनाया था, अभी तो फिलहाल हमारा पपी नहीं रहा, जब मिनी ज़ू बन जाएगा ना दोस्तों यहाँ पर ढेर सारे पेट्स लाएंगे हम। अनस भाई रिहान भाई सब जने चलते हैं जंगली कबूतरी कॉलोनी देखने, यहाँ से अब चलते हैं, फिर आएंगे अपने प्यारे प्यारे मिनी ज़ू देखने और यहाँ पर बस काम स्टार्ट करवा देंगे। चलो 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 चलो। तो दोस्तों हम कबूतरी कॉलोनी पहुँच गए हैं, ये है हाँ गॉयस रामपुरी जो कबूतर होते हैं ना बहुत बहुत महंगे होते हैं, 3,000 के 5,000 के ऐसे मिलते हैं। जान भाई वो दिखाया था तुमने, कौन सा दिखाया था, कलंज, हाँ कलंज दिखाया था, खतरनाक था यार वो तो। तो दिखा दे, ओहो क्या बात है भैया, ये तो कटरीना क्या फील है। ओए, 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 ओए। गाइस ये है जंगली कबूतरी कॉलोनी है, देखिए गाइस मैंने आपको दिखाया था ना शॉर्ट वीडियो में, दिखाया था तो वो ये वाली कॉलोनी है, यहाँ पर बच्चे उच्चे करवाते हैं हमारे टॉप कलर के तैजिम भाई, तो इनमें अब भी बच्चे होंगे। तो उधर तो हमारे टॉप कलर के जा चुके हैं, इधर है हमारे बॉस। देखिए ये जो कबूतर है ना गाइस, ऊपर से ज्यादा अच्छे कबूतर जो है ना यहाँ पर है गाइस, ऊपर से ज्यादा बहुत बहुत महंगे कबूतर है, वो कलंच है गाइस। हुई 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 हुई। देखिए दोस्तों ये है रामपुरी कबूतर, बहुत महंगा होता है गाइस, 3,000-4,000-5,000 के मिलते हैं ये। दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं, हाँ यहाँ भी चढ़ जाऊंगा। तो
दोस्तों देखिए तेजिम भाई जंगली कबूतर के अंडे उठा रहे हैं। देखिए दो अंडे लेकर आ रहे हैं नीचे को। वो जंगली कबूतर के दो अंडे कबूतर की कॉलोनी में रख दिए हैं दोस्तों। और ये दो अंडे जो कि अपने कबूतरों के थे ये जंगली कबूतर के नीचे रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर रख देता हूँ इनको। जंगली कबूतर शानदार बच्चे निकालेंगे हमारे लिए। काम हो गया अनस भाई। दोस्तों ये वाली पेटी देख लेते हैं इसमें बच्चे है कि नहीं। अनस भाई मुझे लग रहा है इसमें बच्चे हैं, बोल रहे हैं वो। हां दोस्तों इसमें बच्चे हैं, दो बच्चे हैं जंगली कबूतर के बच्चे। चलिए दोस्तों अब इनको आराम करने देते हैं। दोस्तों ये है वो कबूतर की कॉलोनी। यहाँ पर जो बच्चे हैं ना गाइस वो जंगली कबूतर ने ही पाले हैं। दोस्तों अब हम कोसी नदी पर आ गए हैं। अब यहाँ से घास बोल लेते हैं गाइस। रैबिट्स भी हमारे बहुत भूखे होंगे ना, तो जल्द से जल्द वहाँ क्या उरे गाइस क्या है। अच्छा विलन है क्या भाई? रैबिट्स भाई बहुत भूखे होंगे, ये सब कुछ बाद में देख लेंगे। ना रेहान भाई बाद में देख लेंगे। अनुज भाई जल्दी से आ, रेहान भाई जल्दी से रैबिट के लिए घास ले लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपको कल रात से। बाय। अनुज भाई चलो जल्दी से आ जाओ। भाई टाइगर भी रह रहे हैं यहाँ पे, कुछ दिन आवाज नहीं सुन रही वो जो वहाँ से आ रही थी। लेकिन आज धूप निकल रही है। हमें धूप टाइगर के लिए धूप हो गया।